नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बागड़ी एकेडमी पर फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बायोलॉजी के मोस्टली फिजियोलॉजी के 20 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर श्वसन तंत्र को कवर किया गया है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इससे पहले के क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में दे दिए गए हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव के RBCs के संदर्भ में सत्य कथन है? तो दोस्तों इसका आंसर है सेकंड। इनके द्वारा 20 से 25% CO2 का परिवहन किया जाता है। दी गई सारणी में चार श्वसनीय क्षमताओं तथा श्वसनीय आयतनों को दर्शाया गया है। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा दो क्षमताओं तथा आयतनों का सही सुमेलित है? दोस्तों दो बताना है जो सही सुमेलित है। तो दोस्तों इसका आंसर है फोर। इसका आंसर है फोर, 3500 ml और 1200 ml, थर्ड और फोर। अगला क्वेश्चन, दोस्तों निम्न में से संवातन के दौरान कौन सी संभावना पाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर है थर्ड। एक तनपुट में गति तथा पसलियों में बिना गति के द्वारा संवातन की क्रिया संपन्न करता है। शरीर के ऊतकों से रक्त में स्थानांतरित CO2 की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट, रक्त प्लाज्मा तथा RBCs में बाइकार्बोनेट के रूप में। मानवों में श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? दोस्तों इसका आंसर है थर्ड। पत्थर को तोड़ने और घिसने के उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को फेफड़ा रेशाम्यता का रोग हो सकता है। ऐसे लोग जो मैदानी इलाकों में रहने वाले हैं, अगर लगभग पिछले 6 महीनों से रोहतांग दर्रे के निकटवर्ती क्षेत्रों में जाकर रहे, तो दोस्तों बताना है क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट, उनमें RBCs की संख्या बढ़ जाती है जिनकी O2 के लिए बंधन बंधुता घट गई होती है। श्वसन माध्यित वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीनों के भंजन में कौन सा उपापचयी सामान्यतः होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट, एसिटाइल कोएंजाइम उपापचयी सामान्यतः होता है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होती? तो दोस्तों इसका आंसर है सेकंड, लैक्टेट किण्वन। रक्त द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 1% भाग फेफड़ों तक परिवहन कैसे होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है थर्ड, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। जब आप अपनी सांस रोकते हैं तब रुधिर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस विनिमय आपको फिर से सांस लेने के लिए प्रेरित करता है? आंसर है दोस्तों इसका थर्ड, CO2 सांद्रता का बढ़ जाना। धूम्रपान करने के कारण प्रधानतः उत्पन्न होने वाली दीर्घकालीन श्वसन विकार का नाम बताइए? दोस्तों इसका आंसर है फोर, वातस्फीति। अस्थमा का कारण क्या है? दोस्तों बताना है अस्थमा का कारण क्या है। आंसर है दोस्तों वन, फेफड़ों में मस्त कोशिकाओं की एलर्जी अभिक्रिया। फेफड़ों की कूपिकाओं में ऑक्सीजन की आंशिक दाब होती है। आंसर है दोस्तों इसका फर्स्ट, रुधिर में ऑक्सीजन की आंशिक दाब से अधिक। सांस लेने के बीच फेफड़े चिपक नहीं जाते और थोड़ी बहुत हवा फेफड़ों में सदा ही बनी रहती है जिसे बाहर निकाल नहीं जा सकता, क्योंकि आंसर दोस्तों इसका फर्स्ट, ऋणात्मक अंतःफुफ्फुसी दाब होती है जो फेफड़ों की भित्तियों को एक दूसरे से दूर खींचती रहती है। फेफड़े वासे भरे हुए कोश कुपिकाओं के बने होते हैं। बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी ये किस कारण से पूर्णतः नहीं सिकुड़ते? आंसर है दोस्तों इसका फर्स्ट, अवशिष्ट आयतन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रमशः दमा और वातस्फीति में फेफड़ों की दशा को उचित रूप से दर्शाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है फोर, श्वसनिका में शोध, श्वसनी सतह में कमी। दोस्तों इसमें स्तंभ फर्स्ट में दी गई मतों को सेकंड की मतों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों इसका आंसर है थर्ड, दोस्तों इसका आंसर थर्ड है, फर्स्ट ए में आएगा थर्ड और बी में आएगा फर्स्ट, सी में आएगा फोर, डी में आएगा थर्ड।
वायु द्वारा उत्पन्न एलर्जिक एवं प्रदूषकों के कारण नगरीय स्थानों में काफ़ी व्यक्ति श्वसनीय विकार जो घबराहट उत्पन्न करते हैं से पीड़ित हैं, क्योंकि आंसर दोस्तों इसका फर्स्ट श्वसनी एवं श्वसनिका होगा इन्फ्लेमेशन। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यायामी के जवारी आयतन एवं निःश्वसन सुरक्षित आयतन क्रमशः 500 ml एवं 1000 ml है। यदि अवशिष्ट आयतन 1200 ml हो तब इसकी निःश्वसन क्षमता क्या होगी? तो दोस्तों इसका आंसर है 1500 ml। दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, वीडियो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।